आवाज आपको बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुटिंग की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार दावे कर रही है और इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं और कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार दक्षिण में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी के अभेद किला रायपुर दक्षिण सीट पर जीत का दावा कर रही है और जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने हसीन सपने देखे थे, सारे दावे खोखले और बीजेपी प्रचंड मतों से जीतेगी। यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखे थे, 75 पार कहा था, लोकसभा में भी यही दावा कांग्रेस ने किया था, पर जनता ने उनके दावों की पोल खोल दी थी, हवा निकाल दी थी और रायपुर दक्षिण की जनता भी कांग्रेस के ऐसे दावों की पोल खोलने वाली है। रायपुर दक्षिण में कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया जाता है और इस बार भी छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है और इसके उपलक्ष्य में ये आयोजन हम कर रहे हैं। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और पदयात्रा भी निकाली जाएंगी। लोगों को, आज की पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर, बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से परिचित। राजधानी रायपुर गांधी मैदान पुराना कांग्रेस भवन में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। हमारी सरकार में धान खरीदी को लेकर सभी काम अच्छे से हुए और अभी भी सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, केवल 45 दिन ही धान की खरीदी होगी। 160 लाख मैट्रिक टन का टारगेट जो है वो इतने कम समय में पूरा नहीं हो पाएगा। प्रोत्साहन राशि हम डायरेक्ट किसानों को देते थे जो कि अब समिति के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। अनेक परिवर्तन इस बार धान खरीदी को लेकर कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी धान खरीदी नहीं करना चाहती है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की और उसके कारण से धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा पिछले वर्ष और हमारी सरकार में धान खरीदी केंद्र में जहां बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसे सीमेंटीकरण सेट बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी के राशि से वो काम भी हुआ और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सही कुछ व्यवस्थित न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था और इस कारण से
धान प्रभाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इसके पहले भी दो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया, ये सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और ये 60 लाख मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं, मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहां राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल दे देते हैं, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर 4 नवंबर से हड़ताल पर डटे सरकारी संघ के कर्मचारी अब अपनी हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद कहा है। उन्होंने बताया कि उनकी जो 3 प्रमुख मांगे थी वो मांगे अब पूरी हो गई हैं, जिसको लेकर उनमें खुशी की लहर है और साथ ही अब वो हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं, अपने अपने स्थान को भी निकल चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि धान खरीदी को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई थी, किसानों में चिंता की लहर थी, लेकिन अब वो संशय दूर हो गया है क्योंकि शासन की ओर से मिले लेटर के बाद में सरकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। दुर्ग से खबर है, ये आपको बताते चलें कि 4 नवंबर से हड़ताल पर डटे सरकारी संघ के कर्मचारी अब अपनी हड़ताल समाप्त कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का धन्यवाद भी किया है उन्होंने और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो 3 प्रमुख मांगे थी वो मांगे अब पूरी हो गई हैं, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा खुश हैं और साथ ही वो हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी कर चुके हैं, अपने अपने स्थान के लिए भी निकल चुके हैं। साथ ही धान खरीदी को लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई थी, किसानों में चिंता की लहर देखने को मिली थी, लेकिन अब वो संशय भी दूर हो गई है क्योंकि शासन की ओर से मिले लेटर के बाद में सरकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ पंजन क्रमांक 6685 की 3 सूत्री मांग के संदर्भ में दिनांक 4/11/2024 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे थे। 3 सूत्री मांगों पर माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने और हमारे सहकारिता विभाग के सहकारिता सचिव माननीय पंजीयक और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जिनका सहयोग सराहनीय रहा, उनके आदेश निर्देश पर हमें 3 सूत्री मांग पर लिखित में जो हमें चाहिए था वो कागजात हमें प्राप्त हो गया है, हमारे महासंघ को प्राप्त हो गया है और निश्चित ही हम लोग 3 सूत्री मांग पर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसको हम लोग स्थगित करते हैं। यहाँ मुख्यतः हम लोग धान खरीदी कार्य करते हैं, 4 तारीख से हम लोग 3 सूत्री मांग पर हम लोग हड़ताल में थे। परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराज राजू जी, माननीय हमारे फूड सेक्रेटरी ऋचा शर्मा जी और सहकारिता विभाग के हमारे आयुक्त और सभी बड़े अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमारी बैठक हुई थी परसों मुख्यमंत्री निवास में। उस पर 3 मांग जो हमारी थी, पहला हमारा था एक प्रबंधकीय अनुदान मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर 3-3 लाख दिया जाए, दूसरा था सेवा नियम हमारा है उसको संशोधित किया जाए और तीसरा सबसे जो बड़ी मांग थी धान खरीदी का था, जिसको लेकर के बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री से हमको सकारात्मक सभी ने चर्चा भी की और चर्चा हम लोग का हुआ भी और पहल भी उनके द्वारा किया गया। हमारी 4 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन 3 सूत्री मांगों पर हो रही थी, जिस पर आज शासन ने सकारात्मक पहल करते हुए हमें 3 मांगों पर लिखित दिए हैं, उनके लिए हम शासन प्रशासन की धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साथ ही साथ सभी कर्मचारियों का और जिला पदाधिकारियों प्रदेश पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और शासन प्रशासन से निवेदन चाहता हूँ कि हमें जो लिखित में दिए हैं उन मांगों और जो पत्र है उस पर
तत्काल कार्रवाई करते हुए हमें और आश्वस्त करें कि हम किसानों की सेवा। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर दक्षिण विधानसभा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी बस्ती भाटा गांव में एसएसटी पॉइंट लगाई गई है, जहां आते जाते समय सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान कार सवार व्यक्ति के पास एक काला रंग का बैग मिला है, जिसकी बारीकी से चेकिंग के दौरान 27,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं मिली रकम के संबंध में कार सवार से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन व्यक्ति ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद आचार संहिता होने की वजह से रकम को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई टैक्स विभाग को सौंपी गई है। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर दक्षिण विधानसभा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी बस्ती भाटा गांव में आपको बताते चलें कि एसएसटी पॉइंट लगाया गया, जहां पर आते जाते समय सभी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इस दौरान कार सवार व्यक्ति के पास से एक काला रंग का बैग मिला है, जिसकी बारीकी से जांच की गई, जिस दौरान 27,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं मिली रकम के संबंध में कार सवार से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन व्यक्ति ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद में आचार संहिता होने की वजह से रकम को जब्त करके कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन स्थल मानती है, हर बार वहां पर नया प्रत्याशी उतारती है, चुनाव लड़ने बस दक्षिण विधानसभा आते हैं और उसके बाद कभी भी वहां पर दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को जनता क्यों स्वीकार करेगी, क्यों वोट देगी, जिसको दक्षिण की जनता जानती तक नहीं है, पहचानती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रायपुर का आत्मस्वरूप सुनील सोनी के कारण दिखता है। सुनील सोनी के कामों को इस दौरान उन्होंने गिनाया और कहा कि इस बार की जनता बीजेपी को जिताएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कि कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि पिछले बार जो प्रत्याशी थे वो इस बार प्रचार प्रसार में नजर क्यों नहीं आए, उसी के साथ अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आए। तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है, चाहे क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है, चाहे वो पायलट आए। और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत हों, चाहे टीएस बाबा हों, चाहे दीपक बैज हों, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी घूम रहे, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार करती है, उसके बाद उनको नकार देती है। जरा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मेरे सामने जिनको जबरदस्ती खड़ा किया था, महंत राम सुंदर दास जी को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनके साथ में कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, उनका अपमान क्यों किया, जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, जरा कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब महंत राम सुंदर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो दो बंधु बढ़ चढ़कर पूरे चुनाव में काम कर रहे थे,
और एक तो अभी मेयर भी है, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे? और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया एक भी काम। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। दक्षिण विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। विकास का श्रेय सुनील सोनी को जाता है। जब वो मेयर थे तो उन्होंने अनेक विकास कार्य किए हैं। उनके मेयर के कार्यकाल में कई काम हुए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मूलभूत सुविधाएं रायपुर की जनता को मिली हैं, सुनील सोनी ने यह सब उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही उन्होंने सुनील सोनी के मेयर कार्यालय कार्यकाल के दौरान भी उनके कई कामों को गिनाया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को मतदान होना है। आज प्रचार का जोर शोर होगा। आज पार्टी रोड शो करने वाली है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। रायपुर दक्षिण में ब्रजमोहन अग्रवाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 8 चुनावों से रायपुर दक्षिण की जनता आशीर्वाद देते रही है और इस बार भी एक अनुभवी और एक दिग्गज नेता जो पार्षद रहे हैं, सभापति रहे हैं, महापौर रहे हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो एक अनुभवी और दिग्गज नेता जिसने रायपुर की तरक्की और विकास के लिए लगातार काम किया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भरपूर आशीर्वाद और सहयोग जनता का मिल रहा है। मैं भी पिछले 5 दिनों से लगातार विभिन्न मोहल्लों में सभाएं कर रहा हूं, बैठकें कर रहा हूं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सुनील सोनी जी को मिल रहा है। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई बसना के तत्वाधान में दीपावली मिलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन बसना के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि समारोह का शुभारंभ जो है वो भारत छत्तीसगढ़ महासमुंद में किया गया, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक ने कहा कि मीडिया के साथियों के सहयोग से मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। बसना में पत्रकार भवन की अत्यंत आवश्यकता थी और सेवक दास दीवान के नेतृत्व में पत्रकार साथियों की मांग को सहजते से स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से राशि स्वीकृत करा दिया गया है। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के आगमन पत्रकारों ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, साथ ही छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान से विधायक को तौलकर सम्मान भी किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रमुख परिधान खुमरी और टोपी को पत्रकारों ने पहनाकर विधायक का हार्दिक अभिनंदन किया है। एक मांग थे प्रेस क्लब के विषय की त्वरित करते हुए शासन के पास पहुंचा के उसको पूरा किया गया, तो उसमें ठीक है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को भी, उन्होंने मांग करी। जबकि मेरा एक सपना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे कुछ चीजें बताएं और उसको हम करते जाएं। अभी भवन बन रहा है, बीच में बुद्धिजीवी रिटायर्ड हमारे शिक्षक लोग आए कि यहाँ पे भैया एक लाइब्रेरी होना चाहिए घर, तो आप पत्रकारों को मैं बता दूँ कि 4.5 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए भी सेंसर हो चुका है। किसान राइस मिल वर्षों से खंडहर पड़ी हुई थी, उसको हमने अपने अंडर में लिया,
वहाँ बहुत बढ़िया बैडमिंटन ग्राउंड बन रहा है और वहीं पे ही लोगों के लिए लाइब्रेरी भी बनेगा। कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। इस दिशा में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत की उपस्थिति में एक डेमो ट्रायल आयोजित किया गया, जहां पर जिला अस्पताल कोंडागांव से जिले के दूरस्थ अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्दापाल तक हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाई गई है। कोंडागांव जिला अस्पताल से ड्रोन ने उड़ान भरते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मर्दापाल के उप स्वास्थ्य केंद्र तक मात्र 20 मिनट में मेडिकल किट पहुंचाई है। और ये ड्रोन ट्रायल न केवल आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी एक प्रभावी कदम है। और इस दौरान ड्रोन ने मर्दापाल से भी कुछ रक्त सैंपल भी कलेक्ट किए और उन्हें जिला अस्पताल तक वापस लाया गया, जिसमें इस प्रणाली की दोनों दिशाओं में उपयोगिता का परीक्षण किया गया है। जिला रायपुर क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और अन्य मार्गों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले नेक व्यक्तियों को रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि डॉक्टर एसएसपी डॉक्टर संतोष सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर निरंतर घायलों की मदद करते रहने की अपील की है। रायपुर पुलिस ने पैरोल पर छूटे फरार कैदी राशिद अली को देसी कट्टे और धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। और कैदी राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास कई धाराओं के प्रकरण में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा भी बिता रहा है। और पैरोल से छूटने के बाद निर्धारित तिथि को केंद्रीय जेल में अपनी उपस्थिति न देकर फरार हो गया था और इसके बाद में कैदी के पैरोल अवधि समाप्त होने पर उपस्थित नहीं होने पर केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने कैदी के विरुद्ध टिकरापारा रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मुख्य प्रहरी के रिपोर्ट पर कैदी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए पतासाजी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया था। थाना खम्हार डी क्षेत्र में के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में इस जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पाकिस्तान से शिक्षा प्राप्त की और साल 2012 में आरोपी का परिवार भोपाल मध्य प्रदेश शिफ्ट हुआ था। आरोपी किरायेदार के तौर पर वहां पर रहता था और साथ ही अमृता रत्नेश्वर बनर्जी और साथ ही आहता माया बनर्जी के मकान में रहता था। बताया ये भी जा रहा है कि किराए की रकम को लेकर विवाद हुआ और वाद विवाद इतना पड़ गया कि जानलेवा हमला और हत्या का कारण बन गया। फिलहाल आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और साथ ही घटना से संबंधी एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को जब्त किया गया। पूरा मामला खमारडी थाना क्षेत्र का बताया गया है। लास्ट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।